दोस्तों, आज किसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुबई में ड्राइवर की क्या लाइफ होती है, उसको लाइसेंस लेने के बाद कितना प्रॉफिट होता है और कितना उसको लॉस होता है। प्रॉफिट की बात तो सभी करते हैं, शायद लाइसेंस लेने के टाइम पर ड्राइवर के मन में भी चल रहा होता है कि उसको प्रॉफिट होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में हम लॉस और प्रॉफिट दोनों को ही कंपेयर करेंगे। इससे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको लॉस ज़्यादा है या फिर प्रॉफिट। इस सब की जानकारी के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मेरा नाम है अशरफ, आप देख रहे हैं GCC हेल्प। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, वीडियो बनाने का मकसद किसी को डीमोटिवेट करना नहीं है। मेरा काम है सिर्फ इन्फॉर्मेशन को, नॉलेज को आप तक पहुंचाना। आपका काम है उसको डिसाइड करना कि आपको लाइसेंस लेना है या फिर नहीं। दोनों ही पहलुओं के आपके सामने रखने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे लॉस के बारे में कि ड्राइवर को लाइसेंस लेने के बाद कौन कौन से नुकसान होते हैं। सबसे पहले नुकसान होते हैं इसमें फाइन्स, RTA फाइन्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। कभी ओवर स्पीडिंग फाइन, कभी रेड सिग्नल फाइन, कभी सीट बेल्ट ना डालने का फाइन, कभी मोबाइल यूज़ करने का फाइन, कभी रॉन्ग पार्किंग का फाइन, उसको फाइन 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 रात दिन फाइन, सॉरी रात दिन तो नहीं लेकिन हर महीने अच्छे खासे फाइन लगते रहते हैं। किसी किसी ड्राइवर का इतना ज़्यादा बैड लक होता है कि उसके पूरे मंथ की सैलरी फाइन में ही चली जाती है। अब दूसरा लॉस होता है, आपको हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। यानी कि अगर आप सोचते हैं लाइसेंस लेने के बाद, ड्राइवर बन जाने के बाद आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो ये भी रॉन्ग है। क्योंकि ड्राइवर का सबसे पहला काम होता है मैन पावर को पिक एंड ड्रॉप, उसके बाद में आपको परचेजिंग भी करनी पड़ेगी, उसके बाद मैनेजर्स के पर्सनल काम, और उसके बाद भी अगर आपके पास टाइम बचता है तो लेबर्स को या फिर अपनी टीम को हेल्प एंड सपोर्ट, ये सारे काम करने पड़ते हैं एक ड्राइवर को लाइसेंस लेने के बाद। और अगला बड़ा नुकसान होता है, ड्यूटी ओवर्स की कोई भी लिमिट नहीं होती। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 24 आवर्स ड्राइवर ड्यूटी पर ही होता है। दिन में तो वो काम कर ही रहा होता है, लेकिन अगर नाइट शिफ्ट काम कर रही तो उसको भी पिक एंड ड्रॉप की सर्विस ड्राइवर नहीं देनी होती है। कभी कभी ड्राइवर अगर सो रहा है और नाइट में किसी को इमरजेंसी हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा तो भी ड्राइवर को ही जाना होता है। ड्राइवर की ड्यूटी सबसे पहले स्टार्ट होती है, यानी कि लेबर को जाने से पहले ड्राइवर ने अपनी गाड़ी को अरेंजमेंट करना, क्लीनिंग वगैरह करनी होती है, लेकिन सबसे बाद में ख़त्म होती है। यानी कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि ड्राइवर को पार्किंग के लिए काफ़ी राउंड लगाने पड़ते हैं, आधा आधा घंटे एक घंटा वो परेशान होता रहता है, उसको पार्किंग की भी जगह नहीं मिलती। और इसके अलावा ड्राइवर को लाइसेंस लेने के लिए अच्छे खासे पैसे भी इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। यहाँ मैं कह सकता हूँ 3 नंबर लाइसेंस लेने के लिए आपको 8,000 से लेकर 10,000 दिरहम का इन्वेस्ट करना पड़ता है, तब जाकर आपके पास ड्राइविंग का लाइसेंस होता है। अब यहाँ पर ड्राइवर्स को कोई भी स्पेशल फैसिलिटी नहीं मिलती है, ड्राइवरों को सारे ही लेबर्स के साथ रहना होता है, उन्हीं के साथ उठना बैठना खाना, यानी कि जो फैसिलिटी लेबर्स को मिलती है कंपनी की तरफ से वही सेम फैसिलिटी यहाँ ड्राइवर्स को भी मिलती है, कोई भी स्पेशल फैसिलिटी यहाँ पर नहीं मिलती है। तो इतने सारे नुकसान हैं ड्राइविंग लाइसेंस को लेने के, यानी कि डिसएडवांटेज या नुकसान तो नहीं है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि प्रॉफिट के बारे में, ड्राइविंग लाइसेंस लेने के बाद आखिर कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी तो होता है, तो चलिए जान लेते हैं वो प्रॉफिट कौन कौन से होते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस लेने के बाद सबसे पहला एडवांटेज होता है, आपको 1 स्टेप का प्रमोशन मिलता है। यानी कि अगर आप एक हेल्पर थे, आपने लाइसेंस लिया, अब आप एक ड्राइवर हो गए, एक स्किल्ड लेबर में आ गए। और अगर आप कोई स्किल्ड लेबर थे कोई भी पोस्ट पर, कारपेंटर, पेंटर, मेसन, इलेक्ट्रीशियन, हेल्पर वगैरह कुछ भी थे, तो यहाँ पर आपको टीम लीडर बना दिया जाता है, या फिर अगर आप टीम लीडर या फिर फोरमैन थे तो अब आपको सुपरवाइजर की पोस्ट भी दे दी जाती है, टीम आपके अंडर में दे दी जाती है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी जाती है। और अगर आपकी जॉब कोई ऑफिशियल जॉब थी, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के धक्के खा रहे थे, तो अब आपकी गाड़ी हो जाती है लाइसेंस लेने के बाद, आप उस सबसे अपनी सेविंग भी कर पाएंगे और अपनी मर्ज़ी से टाइम को मैनेज भी कर पाएंगे। और दूसरा बड़ा फ़ायदा है कि आपको इंक्रीजमेंट मिलता है, यानी कि आपकी सैलरी भी बढ़ाई जाती है। जैसे ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है सेम उसी तरह आपकी सैलरी 200, 300, 500 या फिर आपकी पोजीशन के हिसाब से आपको इंक्रीजमेंट भी मिलता है। और इसके अलावा आप जब लाइसेंस लेने के बाद रोड पर निकलते हैं, आपको नई नई लोकेशंस मिलती है, नए नए लोग मिलते हैं, नए नई क्लाइंट से, कस्टमर से, शॉप से, मार्केट से, या फिर अपनी टीम के साथ कोऑपरेशन होता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगले स्टेप की तैयारी भी आप लाइसेंस लेने के बाद कर सकते हैं। अब अगर ड्राइवर की एक्स्ट्रा इनकम के बारे में बात करें तो वो कोई पर्सनल ड्राइवर है या फिर एक फैमिली ड्राइवर है तो यहाँ पर उसको टिप भी मिलती रहती है, उसको पार्टीज भी मिलती रहती हैं। और अगर वो किसी कंपनी में ड्राइवर है और उसके साथ साथ परचेजर भी है तो यहाँ पर शॉप से उसका कुछ कमीशन भी बनता रहता है, उसको मिलता रहता है। तो कमीशन के बारे में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए आपको बताता चलूँ, कमीशन कई टाइप्स की होती हैं। पहली कमीशन तो वो है जो शॉप की तरफ से ड्राइवर को दिया जाता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट की जो मार्केट वैल्यू है उस मार्केट वैल्यू के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है और उसके अलावा ड्राइवर को कुछ 10-5 दिरहम दे दिए तो फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कमीशन वो होता है कि किसी भी ड्राइवर ने खुद बोला कि भाई 20 दिरहम मेरे इसमें ऐड कर दे इस बिल के साथ में, ये कमीशन गलत है, ये गलत है इस तरीके से लेने से। और इस तरीके की कोई भी हरकत अगर ड्राइवर की पकड़ी जाती है तो उसको अपनी जॉब से भी हाथ धोना पड़ सकता है।
ड्राइवर के अगले फायदे के बारे में अगर बात करें वो होता है उसकी एक आज़ाद लाइफ होती है, यानी कि वो कहीं पर भी अपनी मर्जी से जा सकता है। हालांकि कुछ कंपनीज़ में यानी कि लगभग 80% कंपनीज़ की गाड़ी में GPS ट्रैकर लगे हुए हैं। इसके तहत कोई भी ड्राइवर अपनी मर्जी से गाड़ी को कहीं लेकर नहीं जा सकता, लेकिन अगर कंपनी परमिट करे अलाउड करे तो फिर वो जा सकता है। उसके अलावा भी अगर वो अपनी पर्सनल गाड़ी लेना चाहे ड्राइवर तो फिर अपनी पर्सनल गाड़ी भी रख सकता है, या फिर रेंटेबल बेस पर कोई भी गाड़ी लेकर कहीं भी घूमना चाहे तो फिर वो घूम सकता है। तो ये तो थे दोस्तों ड्राइवर्स के एक नुकसान, प्रॉफिट, लॉस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज इस सब के बारे में। इसके अलावा भी दोस्तों अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप इसको लाइक कर सकते हैं, आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने उन दोस्तों के साथ जो दरअसल इस तरीके की नॉलेज रखना चाहते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप दबा सकते हैं बेल आइकन को ताकि आगे जो वीडियो आने वाली है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।